मैं जयसवाल, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। पाकिस्तान की सियासत से इन दिनों एक ऑडियो टेप ने जैसे भूकंप ला दिया है। अगर आप इस टेप को सच माने तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि 3 साल पहले इमरान खान सिर्फ फौज की वजह से सत्ता में आए थे। इसमें उनका कोई करिश्मा नहीं था और ना ही उन्हें इतने वोट मिले थे कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई सरकार बना पाती। फिलहाल इस टेप का बहुत छोटा सा हिस्सा या कहे चंद सेकंड का हिस्सा ही कुछ सामने आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरा टेप सामने आ जाएगा। इस टेप में पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस यानी सीजेपी साकिब निसार किसी अनजान शख्स से बात कर रहे हैं। बातचीत में निसार मानते हैं कि उन पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को सजा देने का दबाव था ताकि इमरान खान को सत्ता में लाया जा सके। चंद दिनों पहले एक ऑडियो टेप सामने आया, इसमें सीजेपी किसी अनाम व्यक्ति को अपनी तकलीफ बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उस पर फौज का दबाव रहता है। टेप 2018 में हुए फेडरल इलेक्शन, हमारे यहाँ के लोकसभा चुनाव की तरह से कुछ दिन पहले का है। तब इमरान कंटेनर्स पर चढ़कर इस्लामाबाद में रैलियां करते थे, नवाज पर भ्रष्टाचार, चोरी, फौज को बदनाम करने के आरोप लगा रहे थे। बाद में पनामा पेपर्स लीक और बाकी मामलों में नवाज को 10 साल जबकि बेटी मरियम को 8 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें जेल भेजा गया, बाद में नवाज इलाज के लिए लंदन चले गए और तब तक वो नहीं लौटे। मरियम ने सजा के खिलाफ अपील की है, मामला फिलहाल पेंडिंग है। टेप का अभी बहुत छोटा हिस्सा सामने आया है। पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर और जर्नलिस्ट आलिया शाह ने अपने शो ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया में कहा, इसे आप छोटा टेप समझने की गलती ना करें। आने वाले दिनों में यह टेप पूरा सामने आएगा और पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ जाएगा। अब तक खुद को पाक साफ बताने वाले फौज और ISI की कलई भी मुल्क के सामने खुल जाएगी। यहाँ बातचीत का वो हिस्सा जिसकी वजह से इमरान और फौज की नींद उड़ गई है और लोग मानने लगे हैं कि नवाज शरीफ को इन दोनों ने फंसाया था। इस टेप को सामने वाले शख्स का नाम अहमद नूरानी, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। नूरानी इतनी बारीकी से काम करते हैं कि उनकी रिपोर्ट पर कोई सवाल ना उठे। मसलन इस टेप को जारी करने से पहले उन्होंने इसकी अमेरिका में फोरेंसिक जाँच कराई थी ताकि बाद में कोई यह इल्जाम ना लगा सके कि ये टेप जाली है। खास बात यह है कि टेप सामने आने के बाद जस्टिस निसार ने खुद माना कि टेप में आवाज उनकी ही है। हालांकि सफाई में ये कहा गया है कि इसमें कुछ पुराने टुकड़ों को जोड़ा गया है। दूसरी तरफ द डॉन अखबार से बातचीत में अमेरिका फॉरेंसिक कंपनी ने भी मंगलवार को साफ कर दिया है कि ये टेप बिल्कुल ओरिजिनल है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये थे हमारे आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।